गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि कल मैंने एक क्लास अपने यहाँ से शूट की थी और पोस्ट की थी, जिसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, सभी का अध्यक्ष से तहे दिल से धन्यवाद। आज हम विधिवत रूप से इसकी शुरुआत करते हैं। कल तो अपन ने सामान्य परिचय किया था कि किस प्रकार से अपने ट्वेल्थ की जो किताब है उसके अंदर सात जो लेसन है उनको किन किन रूपों में बांटा गया, कितने कितने पूर्णांक के वो लेसन थे उनके बारे में बताया। आज अपन विस्तार से शुरू करते हैं। जैसा कि आपके बोर्ड पर मैंने लिख दिया पहले से कि ये अध्याय फर्स्ट है जिसमें भारत का वैभव पूर्ण अतीत, इस पार्ट से शुरुआत करेंगे। और आज मुख्य रूप से इस पार्ट का एक टॉपिक लेंगे जो है अपने भारत के जो इतिहास के जानने के जो साहित्यिक स्रोत। अब इसको पढ़ने से पहले थोड़ी एक सामान्य जानकारी ले लेते हैं। जैसे अपने जो इतिहास की जानकारी है सदियों से माना जाता है कि भाई लगभग 6.8 अरब वर्ष पूर्व इसने पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, जो अपने जिस प्रकार से कहते हैं कि भाई जो ब्लैक होल की घटना के कारण मतलब कोई ग्रह या तारा टूटता है तो उससे विभिन्न प्रकार के ग्रहों की रचना होती है, तो ऐसे के ऐसे अपने पृथ्वी की जो रचना हुई थी वह लगभग अपने 6.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। और उसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है वह लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। यानी जैसे बात करते हैं कि भाई सबसे पहले जल सजीव हुए, फिर जल से स्थल वाला है, फिर दोनों में रहने वाले जीव हुए और फिर धीरे धीरे अपने मानव का वगैरह विकास हुआ। तो अपन ने देखा कि इसमें भी मानव का जो विकास हुआ है वो लगभग 10 लाख साल पहले, और जिसमें उस समय मानव था जो आदि मानव के रूप में था। अब इसमें भी दो मत आते हैं, एक तो आता है लुईस मॉर्गन का मत है, लुईस मॉर्गन उनका तो मानना है कि विसरणवादी मत है। विसरणवादी का मतलब है मान लो किसी क्षेत्र में कोई किसी प्रकार की बीमारी फैल जाए जैसे वर्तमान में चल रही है, या ऐसी उस समय कुछ ऐसी भूकंप या ज्वालामुखी या ऐसी कुछ घटना घटित हो जाए जिसके कारण जो लोग हैं एक स्थान से क्या हो जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। जैसे बात करते हैं अपने इस विसरणवादी सिद्धांत के अनुसार माना जाता है कि भाई मनुष्य की उत्पत्ति हुई है जो अफ्रीका महाद्वीप से हुई है, और फिर उसके अंतराल में वहाँ पर सूखा या अकाल या जो अपन देखते हैं कि सारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वहाँ पड़ता है, तो उसके कारण वहाँ से विस्थापित हुए लोग और फिर अपने यूरोप होते हुए अपने एशिया होते हुए फिर अपने कनाडा की तरफ से उत्तरी अमेरिका और फिर दक्षिण अमेरिका की तरफ फैलते हैं। तो ये सारा जो घटनाक्रम है वो लुईस मॉर्गन ने बताया विसरणवादी सिद्धांत के अनुसार। और एक सिद्धांत आता है अपने जो साइंस में भी आपने सुना होगा डार्विन का, जिसमें कहता है कि भाई जिराफ वो सर ऊंचा करता है और जिसके कारण उसका गर्दन है जो लंबी हो जाती है। तो ऐसे क्या है उससे उनके अनुसार का भाई जो मनुष्य का विकास हुआ है वो समय अनुरूप चार अवस्थाओं में, जैसे पहले बर्बर अवस्था में मनुष्य था, फिर अपने अर्ध बर्बर आया, फिर सभ्य अवस्था में आया और फिर धीरे धीरे वर्तमान अवस्था के अंदर मनुष्य अपने चलाए। वैसे इतिहास के जो मुख्य कालक्रम को चार कल्पों में बांटा गया है, चार युग कहे जाते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म में जो त्रेता द्वापर वैसे युग कहा जाता है, ऐसे कैसे इतिहास में भी इसको चार कल्प में बांटा गया है। तो अभी वर्तमान में जो चौथा कल्प चल रहा है जिसमें भी तीन काल बांटे गए हैं, सीनोजोइक, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन और ओलोसीन, जिसमें एक अवस्था थी जिसमें पूरी पृथ्वी है जो बर्फ से ढकी हुई थी और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगा, और उस समय लोग थे जो ज़्यादातर अपने पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते थे, फिर पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे की तरफ आए और फिर नदियों के सहारे उन्होंने अपना जीवन यापन शुरू कर दिया, फिर सुरक्षा के तौर पर लोग आपस में जुड़ने लगे और एक सामाजिक जीवन की शुरुआत होती है, और जिसमें वो फिर धीरे धीरे उनके जो श्रम पहले पशुओं की तरह मानव जीवन व्यतीत करता था, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे अपने पशुपालन करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार की अपने जो बौद्धिक जागृति हुई, फिर उन्होंने अपने शरीर का वगैरह तन को ढकना शुरू किया अपने जो घास फूस के या ये जो पेड़ पौधों के अपने शरीर पर बांधने लगे, और धीरे धीरे मनुष्य ने फिर खेती करना सीखता है, फिर पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार, और इसके कारण फिर मनुष्य है बहुत तेजी से प्रगति करता है। तो इन सारे जो अवस्थाओं से गुजरते हुए इन दो विकासों के कालक्रम को बांटा गया है। फिर अभी अपन जो शुरुआत करेंगे उसमें अपने देखा है कि नाम सुना होगा आपने कि मनुष्य सबसे पहले है जो तीन अवस्थाएं बताएगी मैं, पाषाण काल इससे अपन पत्रों के माध्यम से मनुष्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो इतिहास के जो पार्ट है अभी वर्तमान में अपन जो पढ़ रहे हैं वो ऐतिहासिक काल, इससे पहले आता है आद्य ऐतिहासिक और एक आता है जो अपने पूर्ण रूप से पाषाण आधारित होता है, जो पाषाणिक काल कहा जाता है।
इसमें क्या है, जितने भी स्रोत है वो अपने को पत्थरों के रूप में प्राप्त होते हैं, खुदे के अंदर वगैरह जो भी मिले हैं उनसे, या जो कंदराओं के अंदर, गुफाओं के अंदर अपन को जानकारी मिलती है, उनके अलावा इनकी अन्य कोई जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, नाम से पता चल रहा है आद्य ऐतिहासिक, मतलब जिसके अंदर आधी जानकारी तो अपन को पत्रों के माध्यम से होती है और आधी जानकारी अपन ऐतिहासिक स्रोतों से होती है, लेकिन बात यह है कि उन ऐतिहासिक स्रोतों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे अपन बात करते हैं पूरा पाषाण काल वगैरह की, या अपने पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण की बात करते हैं, वो सारे पाषाणिक काल में आते हैं। फिर आदि ऐतिहासिक की बात करें अपन ने, जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता ये अपने लो अपने कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, जिसमें अपने तांबे के वगैरह उपकरण प्राप्त होते हैं, तो उसके अंदर अपन को लिपि तो मिली है। अपन ने देखा कि भाई वहाँ पर विभिन्न प्रकार की अपन को सेल खड़ी के जो अपने मौर्य चलती थी उनका अपन को अवशेष मिले हैं, उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उस लिखे हुए को अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो उसके अपन को वहाँ से पत्र वगैरह मिले, मटके वगैरह मिले, उनसे पता चलता है, मठभांडों से जानकारी मिलती है, लेकिन उनके ऊपर जो लिखी हुई लिखावट है उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक, यानी ऐतिहासिक तो है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, यानी उसका जो लिखा हुआ है अपने इतिहास में किसी भी काम का नहीं आ रहा है, तो इसको आद्य ऐतिहासिक में रखते हैं। और फिर आता है तीसरा जो वर्तमान काल सत्र है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का मतलब है जिसके अंदर अपन को लिखा हुआ भी मिला है और अवशेष भी मिले। जैसे अपन बात करते हैं मौर्य काल की, तो मौर्य काल के अपन को सम्राट अशोक के विभिन्न प्रकार के अपन को शिलालेख वगैरह मिले हैं, इसके अलावा अपन को उस समय के जो लिखित दस्तावेजों में अर्थशास्त्र, नाम सुना होगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र, उसके अंदर उस समय की अपन को लिखित जानकारी भी मिलती है। यानी ये जो ऐतिहासिक काल है इसके अंदर लिखा हुआ भी है और जो अपने भग्नावशेष भी है, जो विभिन्न प्रकार के अपने पुरातात्विक स्रोत भी पाए जाते हैं। तो आज अपन शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, जिसमें अपने वैभव, भारत के वैभवपूर्ण अतीत की बात करते हैं। अब देखो मैंने पहले जो एक लाइन लिखी, क्वेश्चन लिखा है कि ना मूल लिख्यंते किंचन्ति, यानी इतिहास एक ऐसा है विषय है जिस प्रकार अपन विज्ञान को देखते हैं कि विज्ञान किसी भी बात को मानने से पहले क्या मानता है, प्रमाण मांगता है, बिना प्रमाण के विज्ञान चलती नहीं है। तो लेकिन अपन कहे कि भाई इतिहास में ये कहावत भी है कि भाई क्या करना है इतिहास में, तो हेडिंग लिख के कुछ भी इसमें कहानी लिख के आ जाए, ऐसा नहीं होता है। इतिहास लिखने में भी वैज्ञानिक प्रमाणों की तरह उसको काम में लिया जाता है, कुछ भी लिखने से पहले बिना मूल के कुछ भी नहीं लिखते। जैसे वर्तमान में अभी जितने भी जो शोध पत्र वगैरह प्रस्तावित होते हैं या जितने भी अपने इतिहास की किताबें लिखी हुई है, उन सभी में कोई ना कोई मूल दिए हुए हैं। जैसे कहीं पर अपन को कोई लिखित साक्ष्य मिलता है, तो उस लिखित साक्षी को प्रमाणित करने के लिए उस क्षेत्र विशेष की अपने खुदाई वगैरह होती है पुरातत्व वेत्ताओं द्वारा, और फिर उसके अंदर से कुछ प्रमाण मिलते हैं, तभी उस बात को क्या माना जाता है, सत्य माना जाता है। इतिहास में बहुत सारे राजा हुए होंगे लेकिन उनके कालक्रम को क्यों नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि उनको अपन को उनके प्रमाण नहीं मिले हैं। लेकिन अपन के इतिहास में कुछ ऐसे भी राजा है, जैसे हम बात करते हैं मौर्य शासक अपने सम्राट अशोक की बात करते हैं, तो अशोक के बारे में अपन को बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, किताबें भी मिली है, उनके जो जगह जगह जो लिख के अपने अभिलेख लगाए हैं, तो उनसे अपन को उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो वो मुख्य रूप से इसलिए कहा जाता है इतिहास के अंदर कि ना मूल लिखित किंचन्ति, बिना मूल के इतिहास में कोई भी जानकारी नहीं लिखी जाती है। अब आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं अपने विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अंदर बात लिखी हुई है कि जो भारत है, भारतवर्ष है, वह उत्तर में हिमालय की पर्वत चोटियों से और नीचे की जो भूमि है वो भारतवर्ष कहलाती है, और उसके अंदर जो संतति रहती है वो भारत की संतति कहलाती है, तो इसके अंदर बताया गया है। और इसके अलावा इसने बताया कि इस तरफ जो हिंदूकुश पर्वत वगैरह अपने जो श्रेणियाँ हैं वो भारत की हमेशा सुरक्षा करती है। इस सारे क्षेत्र के अलावा अपने जो इसमें कुमाऊँ हिमालय वगैरह या हिमालय के अंदर असम ये टिहरी वगैरह जो मुख्य रूप से अपने इसमें दे रखा है कि बलक, बदकसा, जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, गढ़वाल, कुमाऊँ, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम व हिमालय की ऊंची पर्वत श्रेणियाँ इसमें सारी सम्मिलित बताई गई है। और पश्चिम में जो मैंने अभी बताया, पश्चिम में हिंदूकुश पर्वत में सफ़ेद को तुर्कमैन और केथर पर्वत श्रेणियाँ हैं जो उत्तर से दक्षिण की तरफ अपने विस्तृत होकर इस पश्चिम क्षेत्र से भारत को क्या करती है, पृथक करती है, ये बात बताई गई इसमें। फिर है अपने इतिहास की जानकारी के स्रोत, इतिहास की जानकारी के स्रोत मैंने बता दिए आपको अभी आज अपन शुरुआत करेंगे, और जिसमें भी अपने कौन से स्रोत पढ़ेंगे, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत का मतलब जो अपन को लिखित अवस्था में प्राप्त हुए। अब लिखित अवस्था में जो भी किताब लिखते हैं तो वो किताब में क्या करेंगे, तत्कालीन समय में उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या विभिन्न प्रकार की लोक कल्याणकारी योजना वगैरह जो राजा महाराजाओं द्वारा चलाई जाती है उन सभी के बारे में इसके अंदर
अध्ययन किया जाएगा और उसमें भी उस समय के जो लेखक है उनकी प्रमाणिकता का भी ध्यान रखा जाएगा, यानी उन्होंने जो बातें लिखी है किस आधार पर लिखी है उन प्रमाणों का भी अपने ध्यान रखा जाता है। तो ये मैंने मतलब स्रोत के अंदर बताया, बिना मूल के कुछ नहीं लिखा जाता है और इसी के साथ में स्रोत साक्ष्यों के आधार पर इतिहास की रचना होती है। अब अपन शुरुआत करते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। साहित्यिक स्रोतों को जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, पुरातात्विक स्रोत को अपन अगली क्लास में लेंगे। साहित्यिक स्रोतों को तीन भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों। पहला भाग है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य वे साहित्य है जो किसी धर्म विशेष की बात को ध्यान में रखकर रचे गए। जैसे बात करें तत्कालीन समय में, उस समय मुख्य रूप से तीन धर्म प्रचलन में थे भारत में। एक था ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म जिसे अपन हिंदू धर्म या सनातन धर्म भी कह सकते हैं। दूसरा धर्म था, जब ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म में कुछ विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई या कुछ ऐसी जो वस्तुओं ने इस धर्म में सम्मिलित हुई जिसके कारण काफ़ी सारे लोग इससे अपन को अलग थलग महसूस करने लगे, तो वो लोग हैं जो दूसरे धर्मों के आकर्षित होने दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित होने लगे। और उसमें मुख्य रूप से उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर दो धर्मों का प्रादुर्भाव होता है, एक होता है बौद्ध धर्म और एक होता है जैन धर्म। इनका भी अपन विस्तार से अगले पाठों में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव होता है और किस प्रकार से जैन धर्म का प्रादुर्भाव होता है। आज अपन इसमें केवल साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे कि भाई बौद्ध धर्म के कौन से साहित्य है, उनसे तत्कालीन समय में कि भारत की कौन सी जानकारी मिलती है, और जैन धर्म के कौन से साहित्य है जिनसे तत्कालीन समय के अपने भारतीय समाज की क्या जानकारी मिलती है। क्योंकि स्वाभाविक ही है जो ग्रंथ लिखे जाएंगे उसमें तत्कालीन समय की समाज की सारी जो तत्व हैं उनको सम्मिलित किया जाएगा। तो ये धर्म के अंदर कौन कौन से है ग्रंथ लिखे गए हैं उनको पढ़ेंगे। फिर आता है धर्मेतर साहित्य। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, धर्म इतर यानी धर्म से अलग वे साहित्य जिसके अंदर धर्म की कोई बातें नहीं की गई है या किसी आत्मा परमात्मा की कोई बातें नहीं की गई है, तो वो ग्रंथ सारे इसमें आ जाएंगे। जिसमें अपन रखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ यानी किसी राजा के राजदरबार में अपन ने देखा है कि बहुत सारे मंत्री वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर अब सारी राजा के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी रचना है उनको लिखित रूप में लिखा जाता है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। यानी राजा कहीं पर युद्ध के लिए विजय के लिए जा रहा है तो उसमें वो लिखेगा, राजा के कौन कौन से पदाधिकारी है उनके बारे में लिखेगा, तो वो सारे तत्व है ऐतिहासिक स्रोतों में आ जाएंगे। अब ऐतिहासिक स्रोतों में कौन कौन से ग्रंथ है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे विस्तार से। फिर आता है विशुद्ध साहित्य। विशुद्ध साहित्य यानी तत्कालीन समय में इतिहास के अलावा जो अन्य ग्रंथ लिखे गए हैं जैसे अपने व्याकरण ग्रंथ वगैरह, वो सारे इसमें आ जाएंगे विश्व साहित्य में। फिर आता है अपने क्षेत्रीय ग्रंथ। क्षेत्रीय ग्रंथ वो है जो तत्कालीन समय में राजाओं के अधीन छोटे छोटे जो क्षेत्र होते थे उन क्षेत्रों के अंदर स्थानीय जो लोग हैं वो अपनी रचनाओं को रचते थे, वो आ जाएंगे क्षेत्रीय ग्रंथ। क्षेत्रीय ग्रंथों में तत्कालीन समय में राज परिवार से अलग जो मानव समाज है उसके बारे में लिखा जाएगा, तो उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इसमें जैसे क्षेत्रीय ग्रंथों में ख्यात ग्रंथ वगैरह आ जाएंगे, तत्कालीन समय में किसी की राजा की वगैरह या किसी विशेष वस्तु की जो ख्याति लिखी जाती है वो सारे ग्रंथ इसमें आ जाएंगे। फिर आती है विदेशी विवरण। अब विदेशी विवरण का मतलब तत्कालीन समय में जिस प्रकार अभी भी भारत है जो विदेशों से अच्छे संबंध बनाए रखा जाता है, और भारत में कहा गया कि भाई वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी क्या है अपना परिवार है, तो उस पृथ्वी की परिवार की जो अपने सदियों से चली आ रही परंपरा है उसको निभाते हुए इस विदेशी विवरणों के जो आए हैं विदेशी इतिहासकार यहाँ पर आए हैं उन्होंने रचना की है। अब इसको भी दो तीन भागों में बांटा गया है, अरबी जो अरबी देशों से आए हैं वो आ जाएंगे। फिर अपने जो तत्कालीन समय में बौद्ध धर्म से जो बहुत ज़्यादा प्रभावित था चीन, तो वहाँ से चीन से भी बहुत सारे जो इतिहासकार आए हैं साहित्यकार आए हैं, इन्होंने यहाँ पर रहे हैं यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़े हैं और फिर उनके बारे में लिखा है, तो उनके विवरणों के पढ़ेंगे, उनकी कौन कौन सी पुस्तक है उनके बारे में पढ़ेंगे। और अन्य जो आए हैं जैसे दूसरे क्षेत्रों से अपने यूरोपीय क्षेत्रों से वगैरह से जो आए हैं जिनके अपन को मान लो किसी की पुस्तक नहीं मिली है तो उसकी पुस्तक का कोई दूसरी पुस्तकों में हवाला दिया गया है, तो वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। फिर आती है वंशावलियाँ। वंशावलियाँ है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वंशावलियों में अभी भी वर्तमान में भी इनका महत्व है, जो अभी अपन पढ़ेंगे कैसे महत्व है कि मान लो कोई घटनाक्रम घटित हो जाए या किसी को राजा महाराजा द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को कोई ताम्रपत्र वगैरह दे दिया गया हो, अब वो व्यक्ति भूल गया हो और उसकी कोई वर्तमान में उसकी पीढ़ी को वो कोई ताम्रपत्र वगैरह मिल जाए कि भाई ये क्षेत्र फलाने व्यक्ति को दिया गया है, तो वो उसके लिए न्यायालय में जाकर उसके बारे में बात रख सकता है। अब वंशावलियों में आपने भी देखा होगा अपनी भी वंशावलियाँ लिखी जाती है, जैसे अपन कहीं हरिद्वार वगैरह अपने पूर्वजों की अस्थियाँ लेके जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि अपन जब भी वो अस्थि विसर्जन के लिए सभी का अलग अलग अपने
जो पंडितों का जो गुट होता है, तो अपन उनके पास जाते हैं, फिर वो अपन को अपने से पूर्व में कोई और भी लोग आए हुए कितने साल पहले, तो वो सारा बता देंगे कि कौन कौन से व्यक्ति आए, कहाँ कहाँ कौन कौन किसके साथ में था और किसकी अस्थियाँ विसर्जन करने आएंगे, वो अपने को सारी जानकारी दे देंगे। तो इन वंशावलियों के अंदर हजारों सालों की वो अभी तक उनको संजोए रखी है, वहाँ पर पूरे गोदाम गोदाम भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से इसके अलावा जो अपने चारण भाट आते हैं, राव वगैरह आते हैं, वो भी अपनी वंशावलियाँ लिखते हैं। तो इससे स्थानीय लोगों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसको इससे कैसे अपन को ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, वो अपन को इससे इसके अंदर साहित्यिक स्रोत में इसको पढ़ेंगे। अब मैंने कुछ यहाँ पर इनका विस्तार से बताया गया लिखा है कि कौन कौन से ब्राह्मण साहित्य है, कौन कौन से बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य, इनको अभी अपने कोई भी पीछे न रह जाए, इसीलिए मैं किताब से थोड़ा बताऊंगा व्यवस्थित, ताकि अपने जो मुख्य मुख्य किताबें हैं वो न रह जाए और उनमें कुछ मतलब बातें पीछे न रह जाए। तो शुरू करते हैं अपन साहित्यिक स्रोत के बारे में विस्तार से। साहित्यिक स्रोत में अपने पहला लेते हैं ब्राह्मण साहित्य। नाम से पता चल रहा है ब्राह्मण साहित्य मतलब अपने सनातन धर्म कह सकते हैं। सनातन मतलब ऐसा धर्म जो सदियों से चला हुआ आ रहा है, जिसका न तो आदि है न अंत है। बात करें जैसे हिंदू धर्म को सनातन धर्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब हुई ये पता नहीं। अपन बात करें इस्लाम धर्म की, तो अपन कहते हैं कि भाई 622 में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। अपन बात करें जो ईसाई धर्म की, तो एक बीसी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। अब बात करें कुछ भी कोई भी धर्म, जैसे बौद्ध धर्म की बात करें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जैन धर्म की बात करें तो भी वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है। लेकिन अगर हिंदू धर्म की बात करें तो या सनातन धर्म की बात करें तो इसका अपन को कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि ना तो इसका कोई सन है कि इतने साल पहले हुआ। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता वगैरह में अपन ने देखा, हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई वगैरह होती है, तो उसमें भी अपन को ऐसे अवशेष मिलते हैं जिसके माध्यम से अपन को पता चलता है कि वहाँ पर भी वृक्ष पूजा होती थी, पशु पूजा होती थी। तो इससे वर्तमान में भी अपन ऐसा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तो अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से भी पहले अपने जो हिंदू धर्म का अस्तित्व था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सनातन धर्म। तो इसके शुरुआत करते हैं अपने पहले ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य को मुख्य रूप से जो बांटा गया है वो इसके अंदर 5-6 भाग आते हैं। पहला है चार वेद। अब चार वेद का नाम तो सुना ही होगा आपने, कौन कौन से वेद है। पहला है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है ऋग्वेद। अब इस वो वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। पहले पे नाम लिख लेता हूँ ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। चार वेद है। अब इसमें भी दो भाग है, पहला है इसको क्या है ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल, और दूसरा है ये जिसमें तीनों आते हैं जिसे कहते हैं उत्तरवेदिक काल, ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल। ऋग्वेदिक काल में एक ही वेद की रचना हुई थी और वो ऋग्वेद था, जो बहुत बड़ा वेद माना जाता है। इसके अंदर 10 भाग है और इसके अंदर 128 उपभाग है, सुक्तियाँ कहा जाता है, और अनगिनत इसमें जो तत्कालीन समय के अपन को मंत्र वगैरह मिलते हैं। अब इसके 10 भाग में भी इसको अपने किताब में इतना विस्तृत नहीं दे रखा है, लेकिन 10 भागों की रचना भी तत्कालीन समय के ऋषि मुनियों द्वारा की गई है, ऋषि मुनियों द्वारा की गई है, जिसमें अपन बात करते हैं कुछ कुछ की अपन बात करते हैं, चर्चा करते हैं। इसके अंदर जो 10वां भाग है, 10वें भाग के अंदर बताया गया है कि भाई जो मनुष्य की उत्पत्ति है, जिसमें मनुष्य के जो वर्ण व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसमें शूद्र का नाम केवल ऋग्वेद में केवल 10वें भाग में एक ही जगह लिया गया शूद्र का। तो ये चारों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि एक परम पुरुष की जो मुख से तो हुई है ब्राह्मण की उत्पत्ति, कंधों से हुई है अपने क्षत्रिय की उत्पत्ति, पेट से हुई है वैश्य की और जांघों से हुई है शूद्र की। यानी इन तीनों वर्णों को तो मान सम्मान दे रखा है, लेकिन शूद्र को इन तीनों वर्ण की सेवा करने के लिए बताया गया, केवल शूद्रों को। तो ये इसमें मुख्य रूप से बताया गया है। अब इसके अलावा जो दूसरा है, एक भाग में अपने जो सावित्री की पूजा के बारे में बताया गया है, जो अपने गायत्री मंत्र के वगैरह की रचना बताई गई है, तो ये सारे इसमें पढ़ेंगे, ये विस्तार से अपन देख लेते हैं एक बार ब्राह्मण साहित्य के अंदर। मैं आपको ऋग्वेद के बारे में मुख्य रूप से इसमें किताब से बाद दिन से बता देता हूँ। पहले है ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है
बता दिया वेद है, उसके बाद में वेदों द्वारा संपूर्ण आर्य सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी दे दी, जो मैंने बता दिया कि सत्य जो सनातन धर्म किस प्रकार से बताया गया है। वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार है, वेदों के अंदर अथाह भंडार दे रखा है अपने ज्ञान का, उस समय तत्कालीन समय में कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी तत्वों को इसमें ले रखा है, कोई भी इससे बाहर वस्तु नहीं जाएगी, सब कोई अछूता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की तरफ लौटो, यानी जो अभी वर्तमान जो हमारे समाज है पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, तो उन्होंने कहा भाई वेदों के अंदर जो अपने जो संस्कृति का अथाह ज्ञान भरा पड़ा है तो अपन को उससे ज्ञान प्राप्त करना है। अब मैंने बता दिया 10 भाग है इसमें और एक सूक्त है, इसमें प्रत्येक वेद के 4 भाग बताए गए हैं। हाँ, वेदों के अंदर भी ये जो वेद है इनके भी कितने कितने भाग बताए हैं, 4 वेद, 4 भाग बताए गए, जिसमें कौन सा है, संहिता, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता का मतलब जिसमें इनका सार रूप में सारा लिखा गया है वो आ जाएगा, ब्राह्मण जो इनकी पढ़ते हैं बोलते हैं इन वेदों को जो बोलते हैं वो ब्राह्मण में आ जाएंगे, फिर आएगा आरण्यक, आरण्य के अंदर तत्काल आरण्य का नाम से पता चलता है आरण्य यानी जंगल, वे ग्रंथ जिनके अंदर ऋषि मुनियों ने जंगलों में बैठकर दार्शनिक बातों को लिखा है वो सारे आरण्य के आ जाएंगे। और उपनिषद, उपनिषद यानी समीप आकर बैठना, शिष्यों द्वारा गुरु के समीप आकर जो जाकर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है वो सारा आ जाएगा उपनिषद में। तो प्रत्येक जिस प्रकार ऋग्वेद को भी इसी 4 भागों में बांटा गया है, यजुर्वेद को भी बांटा गया है, सामवेद को भी बांटा गया है और अथर्ववेद को भी इन 4 भागों में बांटा गया है। तो ये मुख्य 4 भाग पूछे जाते हैं भाई वेदों के कौन कौन से 4 भाग है, तो जिसमें आ जाएगा संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बता दिया संहिता में उसका सारा बात लिखी हुई है वेद की, ब्राह्मण में जो उसका जो गान करता है बोलता है वो हो जाएगा, आरण्यक यानी जंगलों के अंदर बैठ के जो उसके दार्शनिक विषय, दार्शनिक मतलब आत्मा परमात्मा ईश्वर है या नहीं है, आत्म पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, वो सारी बातें इसमें आ जाएगी। और उपनिषद यानी गुरुओं के समीप बैठ कर जो ज्ञान की प्राप्ति की जाती है वो उपनिषद में आ जाएगी। तो ये सारे इसमें दे रखे हैं, ये अपने विस्तार से देखे हैं। फिर इसके अंदर और क्या बताया गया है, ऋगों को छंदों में रखा गया है, छंद जिस प्रकार की जो मतलब इनको क्या कह सकते हैं श्लोकों के रूप में पूरा व्यवस्थित इनको संस्कृत में रचित किया गया है, तो ये आ जाएगा। फिर यजुर्वेद में, अब ऋग्वेद में बता दिया मैंने ये सारी अपने तत्कालीन समय की जानकारी देगी, फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद के अंदर अपने कौन सी बात दे रखी है, यज्ञों से संबंधित बात दे रखी है, किस प्रकार से यज्ञों का आयोजन किया जाएगा, कौन कौन सी, इसमें भी यजुर्वेद को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है अपने कृष्ण यजुर्वेद। तो इसके अंदर किस प्रकार से इसकी रचना की गई है, इनको किस प्रकार से यज्ञ किए जाना चाहिए, कौन कौन से वेदिका बनाई जाएगी, किस किस प्रकार से आहुतियाँ दी जाएगी, वो सारी इसमें जानकारी दे रखी है, मंत्रों का। फिर इसके बाद में आता है कि भाई मंत्रों का पाठन पाठन कैसे हो, ऋग्वेद के अंदर जो अपने मंत्र बताए, यजुर्वेद में किस प्रकार से यज्ञ करना वो जानकारी दी है, अब इनको मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार से हो इसके लिए रचना की गई है सामवेद की। सामवेद में ऋग्वेद में से और इन दूसरे वेदों में से ही मंत्र ले रखे हैं, लेकिन इनको किन वेदों, इनको किस प्रकार से गाया जाए, इनको किस प्रकार से बोला जाए, इसी कला के कारण सामवेद को अपने संगीत कला का सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है, संगीत कला का सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है इतिहास के अंदर, क्योंकि पहली बार बताया गया है कि किस प्रकार से मंत्रों को गा के, जिसका अपन देखते हैं पंडित वो जो किसी यज्ञ वगैरह का आयोजन करते हैं तो उसके अंदर मंत्रों को एक ही लय ताल में उसको बिना रुके गाते हैं, तो वो सामवेद के अंदर ये कला दे रखी है कि उन मंत्रों को किस प्रकार से गाया जाए, तो ये सामवेद हो जाएगा। फिर आता है अपने जो 4th वेद आता है अथर्ववेद, ये वेद का सबसे अंतिम भाग है और सबसे लास्ट में लिखा गया। अथर्ववेद में क्या बताया गया है कि इसमें ये 3 मुख्य रूप से पूर्ण रूप से विशुद्ध है, इनके अंदर किसी प्रकार की कोई जादू टोना या तत्कालीन समय के कोई रूढ़ियाँ नहीं थी, लेकिन बाद के अंदर समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के जो जादू टोने टोटके विभिन्न प्रकार की जो सामग्रियाँ सम्मिलित हुई वो ऋग्वेद काल में मानी जाती है, और जिसके अंदर मुख्य रूप से तत्कालीन समय के रोग निवारण कैसे होने हैं, तंत्र मंत्र क्या है, शत्रु औषधियों के बारे में जानकारी मिलती है, धर्म के अंदर समाज निष्ठा की जानकारी इसके अंदर मिलती है, तो ये आता है अपने अथर्ववेद। अब इनको किस प्रकार से योग्य उपरांत ये सारा अपने देख लिया। फिर आरण्यक ग्रंथ मैंने बता दिया इनके बारे में कि आरण्यक ग्रंथ क्या है, जो जंगलों में लिखे गए दार्शनिक विषयों के ऊपर इसकी जानकारी मिलती है जो एकांतवास में अपने लिखे गए हैं, गुड रहस्य। फिर आते हैं उपनिषद जिसमें समीप बैठ के जो गुरुओं के समीप बैठ के जो गुड रहस्यों की जानकारी लेते हैं वो सारे आ जाते हैं। फिर इनके बाद में इन्हीं वेदों के ऊपर
जो अन्य बातें लिखी गई है और इन सभी को मिला के ये आरण्यक ग्रंथ उपनिषद ग्रंथ इन सभी को मिला के क्या कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है। वेदांग साहित्यों की रचना की गई। अब इन्हीं के ऊपर वेदांग साहित्य की रचना की गई है जिसमें छह वेदांग बताए गए। कितने बताए गए हैं? छह वेदांग बताए गए हैं। शिक्षा, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, फिर है कल्प नंबर वाइज लेते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, फिर है छंद और अंतिम है इसमें पहले निरुक्त है और ज्योतिष। अब इनके बारे में बताए इसे अंदर क्या क्या दे रखा है। इनमें बताया गया है कि मनुष्य के शरीर से संबंधित बताया गया है, जैसे शिक्षा। अब मैंने उन्हें याद करने के लिए सरल तरीका बताता हूँ इनको, मतलब मनुष्य के शरीर से इनका संबंध कहना है तो शिक्षा। अब समाज में मान लो कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उसका क्या कहा जाता है कि भाई समाज में इसका मान सम्मान ज़्यादा है। जैसा कि अपन ने बताया है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये इनकी रचना इसलिए की गई ताकि अपने जो वेद है, जो अपने चारों वेद है, इनको सही रूप में अच्छे तरीके से समझा जा सका। वेद तो पहले लिखे गए, अब वेदों को लिखने के बाद वो ऋषि मुनि नहीं रहे, लेकिन उनके बाद उनको विभिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा पढ़ा गया, इन्हें अन्य ऋषियों द्वारा पढ़ा गया और फिर उनके ऊपर इनको लिखा गया, जिसमें इनको अलग अलग भागों में विस्तार से बताया गया। शिक्षा को समाज के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, तो इसका अपने शरीर के नाक से इसका महत्व लिया गया है। कल्प, कल्प का नाम से पता चलता है हाथ, इसको अपने शरीर के हाथ से बताया गया है। फिर व्याकरण, फिर निरुक्त पैरों से संबंध, निरुक्त अपने कंधों से संबंधित, फिर छंद, छंद को पैरों से लिया गया है और ज्योतिष को आंखों से संबंधित किया गया। तो ये सारे इसके तुम्हारे इसमें किताब ने नहीं देखे भाग, लेकिन इसको मुख्य रूप से अलग अलग शरीर के अंगों से विभक्त किया गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये मुख्य रूप से इसके चार भाग बताए गए जिनको अपने विस्तार से अपने इनको समझ सकते हैं, इसीलिए बताया गया। फिर और इसमें एक बात दे रखी है अपने किताब के अंदर कि इनके ऋग्वेद के उपवेद भी लिखे गए। ऋग्वेद क्या, सभी वेदों के क्या लिखे गए हैं? उपवेद। उपवेद का मतलब इनके ऊपर अंध्य जो सरल भाषा में लिखे गए हैं, जिसमें पहला है आयुर्वेद, जो अपने बात करते हैं भारत के सदियों से आयुर्वेद का महत्व बताते आए हैं, किस प्रकार से वनस्पतियों का प्रयोग अपने शरीर को सुरक्षित रखने के अंदर कर सकते हैं, तो वो सारे आते हैं आयुर्वेद के अंदर। तो ऋग्वेद का उपवेद है जो आयुर्वेद है, इसमें सारे औषधियों के वगैरह अपन को जानकारी मिलती है, विभिन्न बीमारियों के रोकथाम के लिए इनके अंदर अपने सारे जानकारियाँ दे रखी है। फिर आता है अपने यजुर्वेद ऊपर आ जाएगा और सामवेद, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसके अंदर तत्कालीन समय के जो अपने राजा महाराजा द्वारा युद्ध वगैरह किए जाते थे तो उनके अंदर कौन कौन से शस्त्र वगैरह चलाए जाते हैं, कैसे चलाए जाते हैं, उनकी सारी जानकारी दे रखी है। फिर आता है सामवेद, जिसका संबंध अपने गंधर्व वेद से साथ था, और अंत में आता है अथर्ववेद, जिसका संबंध है शिल्प वेद से, यानी तत्कालीन समय में जो भवन वगैरह बनते थे उनका निर्माण किस प्रकार से, कौन कौन से मतलब कौन वगैरह का उनमें ध्यान रखा जाता है, तो वो उसका उपवेद माना जाता है शिल्प वेद। इस प्रकार से मुख्य रूप से अपने वेदों के बारे में जानकारी मिलती है। मैंने देखा कि बताया गया है कि ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है, वेदों का ही, और वेदों में ऋग्वेदी काल में ऋग्वेद का और उत्तरवेदी काल में इन तीनों वेदों का, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जानकारी के बारे में पूरी दे रखी। इनके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों में अन्य कौन सी बातें लिखी है, मुख्य रूप से एक आते हैं जो तत्कालीन समय के ऋषि मुनियों द्वारा रचित की गई अन्य रचना है जो वेदों से अलग है, जिसमें आती है स्मृतियाँ। कौन सी आती है? स्मृति ग्रंथ, जिसमें मुख्य रूप से तत्कालीन समय की स्मृतियाँ कौन सी दे रखी है स्मृति ग्रंथ में, एक तो होती है यांग्य वल्लक्य स्मृति और एक होती है मनुस्मृति। वैसे तो स्मृतियाँ खूब दे रखी है लेकिन मुख्य रूप से ये स्मृतियाँ मानी जाती है। अब इनमें तत्कालीन समय की सारी परिस्थितियाँ दे रखी है और उसमें भी सबसे स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति है वो है मनुस्मृति। एक कहानी सुनी होगी कि भाई जल प्लावन हुआ, उस समय सारी पृथ्वी है जो पानी में डूबने लग गई और उस समय फिर भगवान विष्णु एक अवतार लेते हैं और वो अपने कौन सा अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार। ये मत्स्य का नाम भी आगे जाएगा मत्स्य पुराण के अंदर। मत्स्य एक पुराण है जो सबसे प्राचीन पुराण है वो मत्स्य पुराण है और सबसे प्राचीन स्मृति है वो कौन सी स्मृति है, मनुस्मृति है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जल प्लावन हुआ, पूरी पृथ्वी है जो पानी में डूबने लग गई, तो ऐसी स्थिति में भगवान जो
विष्णु हैं, उन्होंने एक अवतार लिया जिसका नाम था मत्स्य अवतार। वो मछली के वेश में आए अवतार लेके, और उसमें से एक व्यक्ति था मनु। उस मनु को अपने ऊपर बिठा के एक ऊंची जगह पर या अपने शरीर पे रख के वो उसको बचा लेते हैं, और इसी के बाद में मनु है जो आगे उसकी संतति का विस्तार होता है और मनुष्य वापस पृथ्वी पर स्थापित हो जाता है। तो इस मनु स्मृति में सारी, इसमें सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी मानी जाती है? अब जैसा कि मैंने बता दिया कि पृथ्वी सारी समाप्त हो गई, समाप्त, और उस समय मत्स्य अवतार में किसको बचाया है? मनु को बचाया। याद करने का सिंपल तरीका है कि सबसे पहले लास्ट में किसको बचाया? मनु को बचाया। तो कौन सी सबसे प्राचीन कौन सी हो जाएगी? मनु स्मृति। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा हो जाएगा? कि भाई उस समय एक तो मनु बचा था, तो स्मृति तो सबसे पुरानी हो जाएगी मनु स्मृति। और जो व्यक्ति, जो अन्य जीव बचा वो कौन सा था? मत्स्य। तो सबसे पुराण, प्राचीन पुराण कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से अपन को दो इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञवल्क्य की स्मृति, मनु स्मृति, इसके अलावा भी बहुत सारी स्मृतियाँ दे रखी है, लेकिन मुख्य रूप से अपने ये दो ही है। इसके अलावा और जो अन्य ग्रंथ है वेदों के अलावा मैं बता रहा हूँ, स्मृति ग्रंथ हो गए, फिर पुराण का थोड़ा मैंने बताया है, अभी आगे बता देंगे। टोटल 18 पुराण है, वो अभी बताते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं, आपने सुना होगा जो भी वर्तमान में जो महामारी के काल में अपने जो धारा प्रसारित हो रहे हैं, रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत। अब इतिहास में थोड़ा इसमें विवाद है कि भाई वास्तव में महाभारत हुआ या रामायण हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अपन को पता है कि भाई पूर्ण रूप से इनका विखंडन नहीं कर सकते, खंडन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तत्कालीन समय में भी जो विभिन्न प्रकार की जो अपने उस समय की माँ जनपदें थी, वर्तमान में भी नाम उनका सुनते हैं, अयोध्या वगैरह, तो ये अपन आंशिक रूप से इनको बात को मानने पड़ेगा। अब भूत काल में इनका पूर्ण रूप से रचना की गई, लेकिन उससे पहले इनकी रचना हो चुकी थी अपने ब्राह्मण काल में। तो अपन देखते हैं रामायण, रामायण ग्रंथ में और महाभारत में, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में श्लोक लिखे गए, जिसमें रामायण के अंदर दूसरा, पहला और नवा पार्ट लास्ट में जोड़ा गया, पहला और नवा, बाकी 2 से लेकर 8 पार्ट है जो इसमें सबसे प्राचीन माने जाते हैं। तो किस प्रकार से रामायण की रचना हुई वो उसमें रामायण में तत्कालीन समय में देखते हैं, वो सारा उसमें राजा महाराजाओं की स्थिति, प्रजा की स्थिति, वहाँ के तत्कालीन समय में व्यापार वाणिज्य की जानकारी मिलती है, पशुपालन कृषि की जानकारी मिलती है, कौन कौन सी फसलें वगैरह बोली जाती है इनकी जानकारी मिलती है, किस प्रकार से समाज था, किस प्रकार से समाज में उस समय भी जो शूद्र वैश्य वगैरह सारे वर्ण होते थे, किस प्रकार से उनका काम का विभाजन होता था, वो सारी अपन को इसके अंदर जानकारी मिलती है। और नैतिकता की जो बातें की गई है वो इसमें विशेष है। फिर आता है महाभारत, महाभारत के अंदर तत्कालीन समय में समाज के, जो रामायण के बाद में महाभारत का काल आता है, तो उस समय समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के रूढ़ियों का प्रचलन हो चुका था, तो ऐसे में उन रूढ़ियों से कैसे बचा जाए वो सारी जानकारी इसमें महाभारत में दे रखी है, कि किस प्रकार से समाज में बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। फिर उसके बाद में इसमें एक बहुत बड़ा अपने महाभारत के काल में आता है, जो माना जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा उपदेश दिया गया, भगवद गीता, गीता कहा जाता है, जिसमें उन्होंने उपदेश दिया कि भाई मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, जो आज भी प्रासंगिक माना जाता है। तो ये सारी जानकारी अपन को किस ग्रंथों में मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथों में मिलती है। फिर अपने बताया गया मैंने कि पुराण, पुराण कितने टोटल बताए हैं? 18 पुराण, और पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मैंने कौन सा बताया है? मत्स्य पुराण। पुराणों का नाम तो आपने सुना होगा, जब कोई व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में वगैरह होता है तो उनको गुरु पुराण वगैरह सुनाए जाते हैं, ताकि भाई उसमें देखो, आपने देखा होगा गुरु पुराण में क्या बताया गया है कि भाई स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, किस प्रकार से मनुष्य मरने के बाद में वो स्वर्ग नरक का भोग करते हैं। स्वर्ग नरक किसने देखा नहीं है, लेकिन उनके तत्कालीन समय में लोगों को इन बातों को मानने के लिए प्रेरित करने के लिए, भाई अपन लोग कोई अनुचित कार्य नहीं करें, बिना डर के लोग क्या करेंगे, कोई भी अनुचित कार्य करने लग जाएंगे, तो उनको बताया कि भाई आपकी नैतिकता बनाए रखने के लिए स्वर्ग की परिभाषा दी, नरक की परिभाषा दी, कि भाई स्वर्ग में अच्छे कार्य करने वालों को स्वर्ग मिलता है, बुरे कार्य करने वाले, पाप कर्म करने वाले को नरक मिलता है। तो ये सारी जानकारी अपन को किन ग्रंथों से मिलती है? ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से 18 पुराणों में, सबसे पहले मार्कंडेय पुराण, ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का नाम मैंने शुरुआत में अपने जो पाठ शुरू किया था उसमें बताया था, कि विष्णु पुराण में बताया गया कि उत्तर में हिमालय और उसके जो दक्षिण में रहने वाले को भारतवर्ष क्षेत्र और वहाँ की संतति को भारती कहा जाता है। ये सारी जानकारी अपन ने दे रखी थी, तो ये सारे आ जाएगा। अब बता दिया मत्स्य पुराण सबसे लास्ट में, इसमें आपके दे रखा है। उसके बाद में इनको सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर इसके 5 विषय, पुराणों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुसृत। इन दोनों में मुख्य रूप से
तत्कालीन समय में राजवंशों की वगैरह अपन को जानकारी प्राप्त होती है। बाकी इनमें तत्कालीन समय की सामाजिक परिस्थितियाँ वगैरह, आर्थिक वगैरह की जानकारी मिलती है। इसमें वंश और वंशानुक्रम की जानकारी मिलती है। तो ये मुख्य मुख्य बात अपने होगी साहित्य के अंदर, ब्राह्मण साहित्य के अंदर। फिर उसके बाद में अपन शुरू करते हैं जो दूसरा मुख्य रूप से धर्म के अंदर ही है।